चीज़ें मैं जिस किस्म का मैं हूँ, मैं यादें जो होता है मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के बारे में सोचता, आगे कौन सा अवार्ड मिलने वाला, जो पिछला अवार्ड उसको मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कौन से अवार्ड्स कुछ जो मिले हैं मुझे। और मगर मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो और जुड़ा नहीं भी जुड़ा हो, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जाऊँ और अपना आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ, हैव फन, मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, और जब लोगों को खुश देखता हूँ, आप लोगों को खुश देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। ऐसा लगता है कि कुछ फिल्में हैं जैसे कि मुझे उस वक्त लगा था कि ईश्वर में मुझे मिलना चाहिए था, राम लखन के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कहते थे कि पॉपुलर फिल्म को मिलना चाहिए, तो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, मगर उस वक्त मुझे अवार्ड नहीं दिया। फिर ऐसी काफ़ी ऐसी जैसे लम्हे में मुझे अवार्ड नहीं मिला, एक दो अवार्ड्स मिले बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे लम्हे में मुझे नहीं मिले। तो ऐसे काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने की, और कुछ ऐसी फिल्में जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था और मुझे उसमें अवार्ड मिल गया। हाँ, वो मैं नहीं बता पाऊँ। साढ़े तीन साल से मैं यही जवाब दे रहा हूँ, साढ़े तीन साल से, अगर ये मुझे लगता है अभी बना ही ले इन लोग, साढ़े तीन साल लगे वो राम लखन को घसीट रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। तो मैं अपने आप को देखना चाहूँगा। मेरे से बेटर कोई कर सकता है अभी भी बताओ? हाँ, नहीं कर सकता ना। चलो मैंने दे दिया, चलो लखन, चलो ले लो यार, किसको भी है जो। हाँ, एक लॉटरी निकालते हैं जिसको मिल जाए। नहीं, वो इस वक्त मुझे लगता है रणवीर मेरे ख्याल से इज अ गुड चॉइस फॉर। नहीं, मैं दिल्ली में था कल था, और मुझे लगता है कि सही चुना है सलमान साहब को। आज एक और अपडेट आया है इस पर कि सचिन और एआर रहमान को भी अप्रोच किया गया है, सो डू यू थिंक कि मतलब इतना कंट्रोवर्सी और इतना डिबेट चल रहा था इस वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसे मैं इसके बारे में मुझे जितना मुझे पता है कि सलमान साहब को चुना गया है, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। पिछले कुछ दिनों से महीनों मैं देख रहा हूँ कि सोनम जो है वो किसी से बात नहीं कर रही है, और बहुत मेहनत कर रही है, और यू नो मैं बोली ये कर क्या रही है और ये बना क्या रही है। कभी देखता हूँ ऊपर तीसरे यू नो घर में, पता चला कि हलचल मची हुई है ऊपर, मैंने वो क्या रहा है, तो मैंने सुनीता से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, ये ऊपर क्या हो रहा है, बोले ये ऐप बन रहा है। मैंने ये ऐप है क्या यार, ये कौन सी भाजी बन रही है? तो नो, इट्स अ यू नो फैंटास्टिक थिंग शी इज़ डूइंग, एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स बीन डन इन दिस कंट्री, एंड विल बी आई थिंक समथिंग ग्रेट। एंड जो मेरे को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया और कुछ चीज़ें उन्होंने शूट की हैं, लॉट ऑफ फन, इट्स लॉट ऑफ फन। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.